मैंने आपको एक बहुत सिंपल डिश बताई थी, तवा पुलाव। मतलब सिंपल डिश, मतलब कभी कभी हमें ध्यान नहीं आता है, सबको बनाना आता है ये, बट ध्यान नहीं आता है कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो लेफ्ट ओवर राइस का आपने तवा पुलाव बनाया होगा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी एक और सिंपल सी डिश मैं आपको बताऊंगी, सिंपल मतलब कुकिंग में सिंपल। बैगन जो हमने भून लिया है, भरते के जैसा जो बैगन भूनते हैं वो, और यहाँ पे हमने काट लिए हैं टमाटर, प्याज, और ये जो ऊपर दिख रहे हैं आप, ये है थोड़ी सी कच्ची कैरी। तो ये सब हमने काट के रख लिया है, और यहाँ पर ये अदरक और लहसुन थोड़ा सा पीस करके रख लिया है। तो अभी इसको बस हमें बस मिलाना है और कुछ नहीं करना कुकिंग में। मतलब हमने ये कुक कर लिया, उसके बाद कुकिंग गैस कुछ नहीं चलाना है इसमें। हम ये ऐड कर देंगे, फिर थोड़े से ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे इसमें, और ये लहसुन अदरक का ये पिसा हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे, और नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल हो तो बहुत मजा आएगा इसमें। सो अगेन अ वेरी सिंपल डिश। इसमें मैंने प्याज, टमाटर और वो कच्ची कैरी और हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड किया, और आप सरसों का तेल गरम करके भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो। तो गरम करके अगर डाल रहे हो तो उसमें थोड़ी सी कलौंजी ऐड करके आप उसमें ऐड कर दीजिए, और थोड़ा नमक ऐड कर दीजिए, और बहुत स्वादिष्ट है ये। थोड़ा सा ये लिट्टी चोखा के संग, जो बैगन का चोखा बनाते हैं बिहार में, उस तरह की है ये। भगवान, डिश ऐसे को डिश 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 डिश। मैंने एक्टर के सपने देखे थे अपनी बच्ची के लिए, और यहाँ पर इन्होंने बल्ला उठा लिया है। क्यों बल्ले? ओए बल्ले, ओए 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 ओए। सो अंशु ने मुझे कल बोला था कि मुझे आटे का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। एक्चुअली उनकी मम्मी बहुत अच्छा आटे का हलवा बनाती हैं, और बहुत टेस्टी, मतलब मेरा फेवरेट है मेरी सासू माँ के हाथ का हलवा। तो उनको कुछ सरप्राइज देने के लिए मैं अभी ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। दिस लॉकडाउन ना बहुत सारी चीज़ों की ये टेस्ट्स ले रहा है, पेशेंस लेवल, और एक वो बोलते हैं ना कि कब ख़त्म होगा ये और वो सब। बट एक जो बॉन्ड है, हम लोग फैमिली एज अ फैमिली साथ में रहते हैं, और हस्बैंड वाइफ, हमारा हमारी अनाया के साथ, वो ज़रूर एक अच्छा टर्न लाया है। सो वाइल आपने देखा होगा कि काफ़ी बार अंशु हेल्प्स मी इन माई हाउस होल्ड एंड ऑल दैट, तो एक हस्बैंड को खुश करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हलवा पहली बार में ट्राई। मैंने आज तक तो कोई हलवा बनाया भी नहीं, मैंने सूजी का हलवा दो बार बनाया है, बट काफ़ी मतलब मेरी मम्मी की और मेरी मदर इन लॉ की देख रेख के साथ, वरना खुद से तो मैंने नहीं बनाया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्रिपेयरिंग, और आई होप अच्छा बने, उनकी मम्मी के जैसा तो नहीं बनेगा। दिस इज रेडी, और कुछ इस तरह का दिख रहा है। ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग वगैरह भी कर दी गई है, इस तरह से दिख रहा है अभी। दिखने में तो लग रहा है कि सासू माँ के जैसा है, बट देखते हैं अभी क्या मास्टर शेफ हमें, मतलब इस मास्टर शेफ को जजेस क्या मार्क्स देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे काम चल रहा है बहुत ही सीरियस। अंशु भूख नहीं लगी है? तो इतनी देर से तो मैं बोल ही रही थी कि मैं कुछ बना रही हूँ। अंशु ब्रेक ले लो। आटे का हलवा, आटे का हलवा। गर्म होगा, उसको उसको थोड़ा दूर रखो। बच्चे, आपकी मम्मी तो जैसा तो नहीं बना होगा।
अब मेरे बच्चे को भी ले लो, पापा काम कर ले, बेटा तो अपना बहुत पैसा कर रहा है, बहुत पैसा कर रहा है। तुझे आप भी खा लो, आज खा लो कविशी। मस्त है, सच्ची बताओ मस्त है। मजा आया, चुम्मा प्रदर्शन, चुम्मा। आया बेटा, ये देख गया हमारा गजोधर, गजोधर स्टैंड अप, कम ऑन, यू ऑल्सो ईट। बता मैं एयरपोर्ट से इनको छोटे मोटे टॉयज, ये सब इनके टॉयज रखे हुए हैं इधर, ये सब से इनको मतलब थोड़ी ना, एयरपोर्ट वगैरह दो भाई। अरे यार चीनी कम है थोड़ी, बाकी तो सब ठीक। शुनिया खिला दो ना, थोड़ा सा खिला दो, लेफ्ट ओवर हलवा भी मतलब बहुत ज्यादा हिट हुआ है, क्योंकि ये क्या है ना कि हम ऐसे टाइम में हैं कि कुछ भी दे दो, उबला हुआ आलू भी हो ना और उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल दो और खा लो तो वाओ। बस फर्क ये है कि कोई और पकड़ा दे वो आलू तो मजा आ जाए। खुद बनाना मजदूरों वाली हालत बहुत दिन से हो रखी है, बहुत हो गया।